नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का अपना समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत टॉपिक है क्लासिकल मॉडल। और क्लासिकल मॉडल में हम एकजाई या एकत्रित रूप से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने भाग एक और भाग दो पढ़ चुके हैं। तो क्लासिकल अर्थशास्त्र की या क्लासिकल मॉडल की विशेषता है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में, यानी इसकी विशेषता क्या है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य अवस्था होती है। से का नियम है, पूर्ति अपनी मांग को स्वयं उत्पन्न करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, प्रतिष्ठित रोजगार का ये प्रमुख आधार है। और नंबर तीन पर इसकी विशेषता है या इसकी मान्यता है कि इसमें स्वचालित एवं स्वनियोजित अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य अति उत्पादन असंभव है, अति उत्पादन नहीं होता। यह एक दीर्घकालीन सिद्धांत है। कौन सा? क्लासिकल। और जो हम पढ़ेंगे किन्स वाला जो इसके बाद का है वो अल्पकालीन है। और एक इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि मजदूरी में कटौती द्वारा अर्थव्यवस्था में बेकारी का समापन करे पूर्ण रोजगार की स्थापना की जा सकती है। मजदूरी में कटौती करो और बेकारी का समापन करे पूर्ण रोजगार की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि मजदूरी में कटौती से लागत घटेगी। क्या हो जाएगा? लागत घटेगी और वस्तुएं सस्ती होगी। लागत घट जाएगी तो वस्तुएं सस्ती होगी, अतः सस्ती होने से फिर मांग बढ़ेगी और अधिक उत्पादन करने में लोगों को रोजगार देकर पूर्ण रोजगार की स्तर पर पहुंचना संभव होगा। क्या? मजदूरी में कटौती से पूर्ण रोजगार की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि मजदूरी में कटौती से लागत क्या हो जाएगी? घट जाएगी और वस्तुएं सस्ती होगी। सस्ती होने से मांग बढ़ेगी और अधिक उत्पादन लोग प्रेरित होंगे और पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। अब हमें रेखा चित्रों के माध्यम से क्लासिकल मॉडल को समझेंगे। इसमें प्रमुख रूप से दो क्षेत्र होते हैं क्लासिकल मॉडल में, एक तो है वास्तविक क्षेत्र और एक है मौद्रिक क्षेत्र। वास्तविक क्षेत्र और दूसरा है मौद्रिक क्षेत्र। वास्तविक क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि श्रम की मांग ने वो श्रम की पूर्ति के द्वारा वास्तविक मजदूरी का निर्धारण होता है या रोजगार स्तर का निर्धारण होता है, क्योंकि इनके बीच विपरीत संबंध है और इनके बीच सीधा संबंध है। हमने पढ़ चुके हैं ये पॉजिटिव है और इनके नेगेटिव संबंध है, पढ़ा है पहले। ये इस जीरो एक्स पर लेता हूं मैं रोजगार और वो बिंदु कौन सा है? ये इस बिंदु पर साम्य बिंदु, जहां एक दूसरे को दोनों वक्र एस एल और डी एल काटते हैं। ये रोजगार इस साम्य बिंदु पर क्या होता है? वास्तविक मजदूरी। ये वास्तविक मजदूरी का धारण होता है, वास्तविक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी और इससे हमने ये पढ़ा था ये क्या है, जो किसका फंक्शन होते है? उत्पादन है,
ऑप्शन हो गए एन के टी एल, कैपिटल है टेक्नोलॉजी की मात्रा, ठीक है। और इस बिंदु पर देखो रोजगार का स्तर, इस बिंदु पर होता है जहां उत्पादन, इस बिंदु पर क्या रोजगार से उत्पादन का निर्धारण होता है, यहां उत्पादन होता है उत्पादन, इस बिंदु पर उत्पादन। यह तो हो गया हमारा वास्तविक क्षेत्र, और वास्तविक क्षेत्र से मौद्रिक क्षेत्र का ही निर्धारण होता है। ये क्या है, मुद्रा की पूर्ति रेखा, मुद्रा की पूर्ति रेखा। और अगर हम मुद्रा की पूर्ति को हम बढ़ा देते हैं, यहां तो हो गया, जहां मुद्रा की इस पर इस उत्पादन स्तर पर है मुद्रा की पूर्ति पर ये कीमत निर्धारण होता है, कीमत स्तर है, कीमत है इस तरह कीमत स्तर हो गया। और इस कीमत स्तर पर यह है वास्तविक मजदूरी रेखा, वास्तविक मजदूरी रेखा, इस वास्तविक मजदूरी रेखा पर है ये कीमत स्तर का निर्धारण होता है, यहां कीमत स्तर का, इस कीमत स्तर का निर्धारण है। और मौद्रिक मजदूरी यहां निर्धारित हो जाती है, डब्ल्यू ये मौद्रिक मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी। अब अगर हम मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देते हैं तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा, और कीमत स्तर बढ़ने से मौद्रिक मजदूरी भी बढ़ जाएगी, यहां से बढ़कर यहां हो जाती है कीमत स्तर है, ये बढ़ जाता है, ये नाम, ठीक है, ये उत्पादन है, अपना उत्पादन स्तर है, उत्पादन है। तो अब ने देखा कि रेखा चित्र में, इस रेखा चित्र में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के संतुलन ई बिंदु पर है, संतुलन से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, जहां रोजगार का स्तर एन वन, ये नाम दे देता हूं इसको एन वन है या होता है एन वन है, तथा मौद्रिक मजदूरी डब्ल्यू अपॉन है पी वन, यहां निर्धारित होती है वास्तविक चित्र। इसी रेखा चित्र में उत्पादन का निर्धारण है, जैसे उत्पादन निर्धारण रेखा ये वक्र द्वारा, रोजगार का स्तर है यहां निर्धारित हो जाता है इस साम्य बिंदु के द्वारा। अब अगर मैं मौद्रिक क्षेत्र की बात करूं तो वास्तविक क्षेत्र द्वारा जो उत्पादन निर्धारित होता है वहां मुद्रा की पूर्ति रेखा है, और इस बिंदु से जिसको मैं कोई नाम दू एल दे दिया या टी दे दिया, ये इस बिंदु पर है, यहां जो वास्तविक मजदूरी रेखा है वहां जीरो से पी वन तक है, कीमत स्तर का निर्धारण होता है, कीमत स्तर यहां निर्धारित हो जाती है, और यहां इस बिंदु पर है ये मौद्रिक मजदूरी डब्ल्यू बन जाती है।
अगर अब मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाए तो इस बड़ी मुद्रा की पूर्ति से इस बिंदु पर वास्तविक मजदूरी पर या इस बिंदु पर वास्तविक मजदूरी रेखा है, इस पर मौद्रिक मजदूरी का यहां निर्धारण कीमत स्तर बढ़ जाता है। तो यहां क्या है, ये तीनों क्या है, स्थिर रहते हैं, यहां तीनों स्थिर रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। रेखा चित्र एक है, ये रेखा चित्र में दो कहूं और ये तीन रेखा चित्र और तीन चौथा रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र तीन में इसमें क्या है, मुद्रा की पूर्ति रेखा, तो वास्तविक मुद्रा की मात्रा एवं चलन, मुद्रा वास्तविक मुद्रा की मात्रा कितनी और उसका चलन कितना है। तो मुद्रा की पूर्ति रेखा जो उनका गुणनफल होती है M1V, ये जबकि उत्पादन मात्रा इस पर है मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन कीमत सत्र P1 का निर्धारण होता है। यहाँ कीमत इस तरह मौद्रिक क्षेत्र में यहाँ कीमत निर्धारण होता है। और रेखा चित्र में इसमें इसकी बात करूं तो वास्तविक मजदूरी रेखा, ये तो वास्तविक मजदूरी रेखा है, मैं कीमत स्तर 0P1 ने दिया होने पर मौद्रिक मजदूरी यहां निर्धारित हो जाती है। तो अतः स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता एवं मुक्त बाजार के कारण वास्तविक क्षेत्र, जो कौन सा वास्तविक क्षेत्र है, चित्र एक एवं दो, ये वास्तविक क्षेत्र है, वास्तविक क्षेत्र है तथा मौद्रिक क्षेत्र कौन से है, रेखा चित्र तीन और रेखा चित्र चार में स्वतः संतुलन स्थापित होता है, संतुलन स्वतः स्थापित होता है। तो आज हमने पढ़ा क्लासिकल मॉडल है और क्लासिकल मॉडल की विशेषताएं और वास्तविक एवं मौद्रिक क्षेत्र, आपने अच्छी तरह से सुना एवं समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।